नमस्कार समस्त मोना प्रियदर्शिनी मुनि मोर चैनल पीएम्स लाइफ साइंस को अपन मानक स्वागत करुच्छे। आज टॉपिक रे हमें डिस्कशन करिबा बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। सो बायोडायवर्सिटी प्रथम आम देखा तार डिफरेंट टाइप र लेबल्स और कैलकुलेशन पर्पज रे केमिति आपन डायवर्सिटी को यूटिलाइज कर देपरिबे ता विषय रे मते देखिबा। नेक्स्ट पार्ट रे हमें डिस्कशन करिबा थ्रेट्स और लास्ट पोर्शन रे हमरा डिस्कशन करिवार अछि कंजर्वेशन रो मेथड्स विषय रे जोथरे के हमें एक्सीटू कंजर्वेशन और इनसीटू कंजर्वेशन विषय रे डिस्कशन करिबा। तो बायोडायवर्सिटी को जदि आप सिंप्लीफाई कर देउछन्ती एथिरे आपनकु दुटा वर्ड मिलिबो। प्रथमे तो आपनकु गोटे बायो वर्ड मिलिबो जोटा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मानकु रिप्रेजेंट करूछि। यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ एनिमल और प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिजम। जेतेबेला आपन डायवर्सिटी को एनकाउंटर करूछन्ती डायवर्सिटी दैट मीन्स डिफरेंसेस को बुझाए। तो जेतेबेला आपन जे कोनसी गोटे नेचुरल हैबिटेट को कंसीडर करंतु सेथिरे सिंगल टाइप रो ऑर्गेनिजम त आपनकु केबे मिलिबोनी, सबबेले वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपन मानकु मिलिजिवो। तो जितेबले भी गोटे पर्टिकुलर हैबिटेट भितर कि गोटे इकोसिस्टम भितर आपको वैरायटीज मिलूची इन टर्म्स ऑफ योर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ताकू आम बायोडायवर्सिटी कहीदेपर। एंड ये बायोडायवर्सिटी डिफरेंट टाइप र मानने इंटरलिंकिंग भी थाए जमीक आबायोटिक फैक्टर्स मैंने भी था जो मैंने कि एस्टाब्लीश करें हेल्प करती जोटा कि इकोलोजी आम भल भाव में पढ़ीचे। तो बायोडायवर्सिटी को आपड़ अदरवैज बायोलोजिकल डायवर्सिटी कहीदेपर। तो बायोलोजिकल डायवर्सिटी खास करके आपको ये मानने बुझार अच्छी कि जिते सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स मैंने अच्छा एम केस वेरिएशन मेंटेन हुए। वेरिएशन रो जदि एक्जाक्ट कन्सेप्ट आप जानवाक चाहूँगी देन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी रो जोटा अच्छी एक्सप्लेनेशन ताकू आप चेक कर दे परिबे जो थी कि वेरिएशन विषय डिस्कशन करते मेंडल कर थ्योरी जोटा थिला जोटा कि वेरिएशन उपरे से रिलाय करथिला। तो ताकू देखी दे परिबे वीडियोस मु आशा करूछि सेटा आपन मानको हेल्प करिवो। तो जत्ते सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स माने अछन्ती कोठना कोठी आपनको इन माने स्पीसीज भितर भी आपनको डिफरेंसेस मिलि जिवो किंबा अलगा अलगा स्पीसीज मानको भितर भी डिफरेंसेस मिलि जिवो लाइक इंट्रा स्पेसिफिक किंबा इंटर स्पेसिफिक डिफरेंसेस में आपनको मिलि जिवो एट डिफरेंट लेवल। तो लेवल रे आइदर आपन जीन्स मानको काउंट कर दे परिबे आपन स्पीसीज को काउंट कर दे परिबे किंबा आपन इकोसिस्टम को मध्य काउंट कर दे परिबे। एवं ए तीनटा लेवल को बेस करिकी जहाँ मोर डाइवर्सिटीज रही है तीनटा अलग अलग लेवल रे डिवाइड करा जाय छी जेमती कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड वन इज योर स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड द थर्ड वन इज योर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेतेबेला आपण जेनेटिक डाइवर्सिटी कथा कहउछन दैट मीन्स यू आर टेकिंग ए पर्टिकुलर जीन इन टू कन्सीडरेसन। जीन कहले कौन बुझाए जीन गोटे पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स को बुझाए जोटा कि डीएनए रे अवेलेबल थाए जमीक आपको बडी जेकोसी प्रकार क्यारेक्टरीस्टिक्स को नहीं जातु जमीक आप लाइक आखिर आमर प्यूपिल कलर को नहीं जापरेंगे किंबा आप स्किन टेक्सचर को नहीं जापरेंगे आप बडी हाइट को नहीं जापरेंगे आप हेयर रेक्सचर को नहीं जापरेंगे। तो जिते सब क्यारेक्टर अच्छे आम बडी भितर से सब क्यारेक्टर पर गोटे पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स रेस्पन्सबल थाए जोटा कि डीएनए अवेलेबल थाए। तो सिमिलर ऑर्गेनिज्म मानक भितर आई मीन सिमिलर स्पेसीज मानक भितर आपको वैरायटीज मिल जाव जमीक आप गोटे ह्यूमन पॉपुलेशन जब नौ देन हाइट व्वज आपको वेरिएशन्स मिल स्किन कलर व्वज आपको वेरिएशन्स मिल हेयर टेक्सचर व्वज आपको वेरिएशन मिल प्यूपिल कलर व्वज भी आमको वेरिएशन मिल पाए। तो जितेबाला गोटे सिंगल पॉपुलेशन को आपड़ काउंट कर गोटे सिंगल स्पेसीज को आपड़ काउंट कर भितर थी इंडिविजुअल्स मानक भितर जो वेरिएशन आसे दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स। तो जितेबाला जीन को बेस करके वेरिएशन आसे आम कहीपर जेनेटिक डाइवर्सिटी एवं यादारा कौन हुए गोटे पर्टिकुलर स्पेसीज भितर आपको वेरिएशन मिल कम्युनिटी भितर भी वेरिएशन्स मिल यादारा कौन हुए एनवायरमेंटल वेरिएबिलिटी इनक्रीज हुए। देन नेक्स्ट पार्ट जदि आम देखा स्पेसीज डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी कहले कौन बुझे जितेबाला आपंकर दुटा मानने गोटे स्पेसीज रू बेसी टाइप स्पेसीज आपको मिल जाव। फर एक्जाम्पल ये मुझे गोटे हानीबीर जब एक्जाम्पल ने आपको ये एपिस इंडिका गोटे रही जोटा कि गोटे टाइप स्पेसीज रहा एपिस मलिफेरा गोटे आप ना शुणी जोटा कि आ गोटे टाइप स्पेसीज रहा। तो हानीबी वेरिटीज आपंकर मानने अर्गानिजम सिंगल टाइप अर्गानिजम रोच बट जिते आप स्पेसीज को काउंट करते आपको डिफरेंट वेरिटीज स्पेसीज मिल जाए। तो एपण कौन रही वैरायटीज ऑफ स्पेसीज मिल एंड जिते स्पेसीज वैरायटीज बेसी थाए क्या कि गोटे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को जब आपको चेक करार अच्छी कि से एनवायरनमेंट के मानने गोटे बेटर एनवायरनमेंट हिसाब से आपको काउंट करेंगे कि नहीं गोटे हेल्दी एनवायरनमेंट हिसाब से काउंट कर देपरेंगे कि नहीं तार स्पेसीज रिचनेस को आम चेक करवा दरकार। जदि आपको स्पेसीज रिचनेस हाई मिलूँ दैट मीन्स दैट एनवायरनमेंट इज वेरी मच लाइक इट्स अ बेटर एनवायरनमेंट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एंड जदि स्पेसीज रिचनेस आपको कम मिलूँ देन आप यहाँ कहीदेपरेंगे दैट से एनवायरमेंटा गोटे प्रॉपर एनवायरमेंट नुह दैट मीन्स किसी लैकिंग रोचे से एनवायरमेंट भितर जो जो स्पेसीज मानक भितर आपको डिफरेन्सेस बेसी मिलूना। तो यही जगह कौन हो जितेबाला आप कौन प्रकार ऑर्गेनिज्म रा स्पेसीज भितर आपको डिफरेन्सेस मिलूँ दैट वुड बी नोन एज द स्पेसीज डाइवर्सिटी एंड इट रिप्रेजेंट्स स्पेसीज
रिचनेस। तो ये आपदेपरेंगे जदि रिचनेस आपर बे रोचे स्पेसीस रिचनेस जितेबाला बेसी थाए तो गोटे पर्टिकुलर एनवायरमेंट को आम गोटे भल एनवायरमेंट बोली काउंट करदेपर जदि कम रोचे देन ओब्वियसली आम गोटे भल एनवायरमेंट तो नुह कहीदेपर बट गोटे मैंने गोटे अनहेल्दी एनवायरमेंट बोली आम कहीदेपर या फिर आम एमती भी कहीदेपर कि जहाँ भी गोटे मेजर रिक्वायरमेंट्स थाए गोटे अर्गानिजम्र डेवलपमेंट पर बायोटिक फैक्टर्स है कि आबायोटिक फैक्टर्स है से सब फैक्टर्स में कौटि ना कौटि कि प्रॉब्लम्स अच्छे जो वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म्स को मिलू ना ये आपदेपरेंगे। देन नेक्स्ट आसी जाऊँच इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम्स कहले ओब्वियसली गोटे लिविंग सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म मान कि नॉन लिविंग फैक्टर्स को बुझाए तो ये जगह स्पेसीस तो आसीगला जोटा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स मान को बुझाऊँच तासंगे कि आबायोटिक फैक्टर्स आसीजो किटा मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को बुझाए कि बिहेवियरल एक्टिविटीज को बुझाए एंड ओब्वियसली कि इंटरेक्शन को बुझाए जोटा कि आपंकर इंट्रा स्पेसीफिक रहीपर कि इंट्रा स्पेसीफिक इंटराक्शन रुहे जमीक आप कंपिटन नहीं जापरेंगे सेम रिसोर्सेस हेल्ले ओब्वियसली ऑर्गेनिज्म्स मान भितर कि फाइटिंग हुए मेटिंग बिहेवियर को लेकिन फाइटिंग हुए निश्र जब ओवरलैपिंग होती फाइटिंग हो पाए तो डिफरेंट टाइप रा कंपटीशन वाला बिहेवियर आपको ये जगह मिले तो खास करके ये जगह आपको डिफरेंट टाइप रिस् देखा मिले डिफरेंट टाइप ट्रॉपिक लेवल्स आपको देखा मिले इकोलॉजिकल प्रोसेसेस रे आपन एनर्जी फ्लो गोटे प्रॉपर पाइपर फूड वेव पाइपर न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग प्रोसेसेस ये जगह आप फाइंड आउट करदेपर जितेबाला आप इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कथा देखुं एंड ये जगह कौन हुए गोटे आप एग्जांपल ले जाइए सपोज धर दिखाँ गोटे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आप एंड गोटे मेराइन इकोसिस्टम नौ कि गोटे आक्वाटिक इकोसिस्टम नि तो जितेबाला गोटे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को आपड़ काउंट करेंगे पाखे लिविंग ऑर्गेनिज्म करो वैरायटीज एंड मेराइन इकोसिस्टम किबा गोटे एक्वाटिक इकोसिस्टम रो लिविंग ऑर्गेनिज्म मन करो वैरायटीज भीतर ऑब्वियसली आपन को किछ डिफरेंसेस मिलबो जो टाइप रो एनर्जी फ्लो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रे रहिबो सेई प्रकार रो एनर्जी फ्लो आपन को एक्वाटिक इकोसिस्टम रे देखिबा को मिलबो नाही जो प्रकार रो फूड वेव रो नेचर आपन को टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रे मिलबो सेटा एक्वाटिक इकोसिस्टम रे मिलबो नाही तो जितेबाला आपण इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहउछन्ती दैट मींस इकोसिस्टम रो लेवल उपर दैट मींस पूरा गोटे पर्टिकुलर एरिया भितर आपणकर डिफरेंसेस आसी जाउछ एंड दैट वुड बी नोन एज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी डिपेंड करुछ को टाइप रो हैबिटेट को आपण काउंट करउछन्ती लाइक वेदर इट इज अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वाटिक हैबिटेट तो या उपर भी डिफरेंसेस आसी जाए। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी बहुत गुड़े अच्छे तरह डिजन अवश्य मुझे डिटेल भितर को जी ना इवन आक्वाटिक भी अच्छे जमीक लेक नहीं पारे कि पॉन्ड इकोसिस्टम नहीं पारे टेरेस्ट्रियल आप फॉरेस्ट नहीं पारे ग्रासलैंड नहीं पारे बहुत गुड़े वैरायटीज अच्छी सोटा ओब्वियसली आपने जानते हैं भल भाव में तो मत बे डिटेल भितर को जाऊँ नहीं ओवरअल जहाँ गोटे आइडिया अच्छे ये रिप्रेजेंट करने चेस्ट करुच्ची। नेक्स्ट आसीगला आम कैलकुलेशन करदेपर खास करके जो मैंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जब आप किसी कम करेंगे जमीक मास्टर्स टाइम है कि एमफिल और पीएचडी टाइम जब आप स्टैटिस्टिकल कम देन टाइप कैलकुलेशन सहित ओब्वियसली आप फैमिलियर थे खास करके अल्फा डाइवर्सिटी और बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी ये सब कैलकुलेशन आम अप्लाई करता ड्यूरिंग द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तो ये अल्फा डाइवर्सिटी जब आप करते दैट मीन एटा गोटे कैलकुलेशन रोचे सो अल्फा डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट्स द पर्टिकुलर हैबिटेट मैंने गोटे विदिन मैंने गोटे पर्टिकुलर हैबिटेट भितर ऑर्गेनिजम्स मानकर कौन रोचे कंडीशन सपोज धर दिखाँ ये गोटे हैबिटेट अच्छी गोटे पर्टिकुलर एरिया रही एंड यही हैबिटेट को जब मुझे ना देदेगी ए देन ये सपोज धर दिखाँ मोर स्पेसीस वन मो पाखे किसी दसटा ऑर्गेनिज्म अच्छी स्पेसीस टू मो पाखे किसी पांचटा ऑर्गेनिज्म रही स्पेसीस थ्री मो पाखे रही मानक पंद्रहटा ऑर्गेनिज्म तो कौ टाइप एम अवेलेबिलिटी रही भितर कौ टाइप इंटराक्शन रोचे रिचनेस बेस रोचे और कम रोचे बायोटिक फैक्टर्स मानक अवेलेबिलिटी आबायोटिक फैक्टर्स मानक अवेलेबिलिटी दैट मीन गोटे पर्टिकुलर हैबिटेट भितर कौन सब जिन रही जो आप काउंट करुँच कैलकुलेसन करट वुड भी नोन एज अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी हेले कौन आम दुटा अलग अलग हैबिटेट भितर ये कंपेयर करवा जमीक सपोज धर दिखाँ एटा गोटे ए हैबिटेट है मुझे आउ गोटे हैबिटेट ये मेनशन करदे बी हैबिटेट होगा बर्तमान ए हैबिटेट भल और बी हैबिटेट भल जब दुटा भितर आप कंपेयर करने को चाहते गोटे कंपेरिजन पॉइंट ऑफ व्यू रे सब बीटा डाइवर्सिटी कराए जमीक सपोज धर दिखाँ आम नहीं सपोज से सेम स्पेसीस वन जोटा आप ए देखुं स्पेसीस वन जगह आपलमोस्ट फिफ्टा ऑर्गेनिज्म्स रही स्पेसीस टू आप रही जाइए थर्टा ऑर्गेनिज्म एंड स्पेसीस थ्री अलमोस्ट आपको मिल जाऊँच मानक 35 ऑर्गेनिज्म तो यू बर्तमान आप गोटे डिफरेन्स क्रिएट करेंगे दैट स्पेसीस ए भितर जेहे अवेलेबिलिटी बेसी ना ऑर्गेनिज्म मानक नंबर जेहतु कम अच्छे तो निहाती भाव में किसी न्यूट्रिएंट वाइज रहा
मे बी किसी कमी रही थो कि रिसोर्सेस वाइज कि मे बी प्रोब्लेम रो थो मे बी प्रिडेटर से जगह बेसी थे से जो नंबर ऑर्गेनिज्म मान नंबर बढ़ी पार ना कि जगह एत भल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल ना जो जो ऑर्गेनिज्म मान ग्रोथ होना कि रिप्रोडक्शन को लेकिन किसी प्रोब्लेम होता पे मे बी से स्पेसीस आई मीन हैबिटेट ए रे किसी इश्यूज रोचे एंड से सेम कंडीशन में आज बी सागर तक कंपेयर करुँचन जेहतु नंबर बेसी अच्छी देन ओब्वियसली जेकोसी गोटे आप कैलकुलेसन में आज यहाँ क्लीयरली कहीदेपर आज कनक्लूजन ड्र कर दे परबे दैट बी हैबिटेट इज अ बेटर हैबिटेट रादर देन द ए हैबिटेट तो जते बेला हम कंपैरिजन करू जे दीटा अलग अलग ऑर्गेनिज्म भितर कि दीटा सॉरी नॉट ऑर्गेनिज्म आई मीन जते बेला दीटा अलग अलग हैबिटेट भितर अपन कंपैरिजन करू चंती सो कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू रे सब बेला हम बीटा डाइवर्सिटी फॉलो करिथौ एंड तार किछरा अलग कैलकुलेशंस मध्ये रहै छै बस मु एठी किछरा इक्वेशन एठी मु मेंशन करू नै बट कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू रे बीटा डाइवर्सिटी फॉलो करा जाय देन आप नहींपरेंगे लास्ट वन इज दट गामा डाइवर्सिटी गामा डाइवर्सिटी मैंने गोटे गोटे बड़ रीजनाल पैच को आज नहींपर गए बड़ लैंडस्केप को आज नहींपरेंगे जमीक सपोज धरी दिंतु आप पूरा ओडार गोटे एरिया नहीं जातु एंड ता भितर आप नंदनकानन नहीं जापरेंगे चिल्का नहीं जापरेंगे कि मानने जहाँ सब अलग एरिया अच्छे जेकोसी गोटे भुवनेश्वर गोटे पर्टिकुला एनवायरमेंटल जिनस को आज कैलकुलेट करूँ कटक गोटे पर्टिकुला जिनस कैलकुलेट करूँ आप गंजाम कैलकुलेट करूँ तो यही थिरे माने गोटे गोटे बड़ एरिया हिसाब रे आपण छोट छोट पैचेस को जेतेले काउंट करूचोंती देन दैट कंडीशन इट विल बी नोन एज अ गामा डाइवर्सिटी जोथिरे कि आपण गोटे टोटल लैंडस्केप दैट मींस पूरा एंटायर ओडिसा रो लैंडस्केप को आपण एटी काउंट कर दे परिबे कि कोन रहिछि स्पेसिस रिचनेस कोन रहिछि बायोटिक फैक्टर्स मानकर अवेलेबिलिटी कोन अबायोटिक फैक्टर्स मानकर अवेलेबिलिटी कोन तो ए पूरा जिंसटा को जेतेले आमे काउंट करूचे तें ताको आमे गामा डाइवर्सिटी बोली कहि दे परिबा ओके देन द नेक्स्ट वन इज द थ्रेट टू डाइवर्सिटी जिते बड़े भी आपड़ गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म कथा कहते कि इकोसिस्टम कथा कहते ओब्वियसली किसी थ्रेड तो रही है निहाती भाव में एंड मेजर थ्रेड तो सब ह्यूमन बीइंग ही एक्टिविटीज जो रही है ह्यूमन इंटरफेरेंसेस इज द वन ऑफ द मोस्ट लाइक डेंजरस थ्रेट आई कैन से तो मेजर थ्रेड्स को आम कि मेनशन करके हैबिटेट लॉस रहा किंबा फ्रैगमेंटेशन नहीं जापरेंगे नेक्स्ट आसी जाऊँच कि इनवेसिव स्पेसीस ओवर एक्सप्लोइटेशन एंड देन क्लाइमेट चेंज एंड पल्यूशन हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन माने कौन सपोज धरी दिंतु गोटे जंगल अच्छी आम से जगह सब गच्छ को काटिक से जगह कि इंडस्ट्रीज बनाऊे और कि नुआ प्रोजेक्ट मनकर से जगह स्टार्ट करुच्चे तो से जगह आप गोटे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हैबिटेट को कम्प्लीटली आपको डिग्रेड करदे एंड बर्तमान से ही ऑर्गेनिज्म अवेलेबिलिटी बर्तमान प्रॉब्लम आसो बिकज तार रिप्रोडक्शन को लेकिन इश्यू स्टार्ट हम तार पॉपुलेशन इंक्रीज को लेकिन इश्यू स्टार्ट हम बर्तमान आप जेहतु गोटे ऑर्गेनिज्म पूरा बिहेवियर मैंने पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज करदे जमीक सपोज धरी दिंतु ये नॉर्मली जब आम इंडिया कथा देखुचे देन आम टे टेम्परेट कंट्री हिसाब से आपको काउंट कराए जो जगह आमको गरम टी बे रुए दैट मीन टेम्परेचर आम हाई लेवल रुहे से सेम कंडीशन रे आम बॉडी कोठी ना कोठी आक्लिमाटाइज हो सारे कि आम ऑलमोस्ट 45 डिग्री पाखापाखी आम बॉडी आम मैनेज कर दे पारे बिकज से ही हिसाब से टेम्परेचर इनक्रीज हो जाए प्रति वर्ष बर्तमान सपोज चिंता करूँ ऑल ऑफ सडन आपको नहीं गोटे थंडा एरिया नहीं रखा देन से जगह बॉडी कोप अप कर पारे से जगह आपको टाइम लगे जदि आपकी इम्यूनिटी जब आप स्ट्रंग अच्छे जब आपकी आडजस्ट कर पार्टी जब आप बॉडी अडाप्ट करुच्चे देन आप बचिक रेबे जदि आप बॉडी अडाप्ट कर पारना देन ओब्वियसली जगह आपको डेथ हो ठीक से ही सेम प्रोसेस एम जगह भी हुए जितेबाला गोटे जंगल अच्छी कि भितर कि ऑर्गेनिजम्स मैंने अच्छा एंड से निज हिसाब से जगह को पूरा अडाप्ट कर सारे आम जब जाइए जगह को सफा करके से जगह कि इंडस्ट्रीज बनाऊे से जगह कि कंपनीज बनाऊे से जगह कि मैंने जहाँ भी आपंकर रहा जिनस कि आर्टिफिशियल जिनस बनाऊे से जगह तो कौटी ना कौटी ऑर्गेनिज्म्स मानकर जो नेचुरल हैबिटेट थी से डिस्टर्ब है एंड वन्स जो ऑर्गेनिज्म नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब हम तो ओब्वियसली सागर रिलेट करके जिते सब तरह बिहेवियर थी से सबुतक एक्टिविटी से जगह डिस्टर्बेंस हम फ्रैगमेंटेशन एग्जांपल भी आपड़ा से हिसाब से नहीं जापरेंगे इनवेसिव स्पेसीस को आप अदरवाइज एक्जोटिक स्पेसीस बोली कही जापरेंगे इनवेसिव स्पेसीस माने कौन जो माने कि से पर्टिकुलर एरिया ऑर्गेनिज्म नुहंती जमीक सपोज धरी दिंतु गोटे पिला जब भुवनेश्वर में बड़ हो तो आम कहीदेपरिया कि तार नेटिव प्लेस है भुवनेश्वर बर्तमान से ही सेम पिला जदि इंडिया बाहर को जाऊँगी कि से सेम पिला जदि ओडिशा बाहर को जाऊँगी से देन दैट पर्सन वुड बी कंसीडर्ड टू बी अ एक्जोटिक ऑर्गेनिज्म माने एटा कहिबा टिके इंडिसेंट होची बट आम याकू कहि दे परिबा कि जो ऑर्गेनिज्म मानकर निजर जो एरिया अच्छी माने जो जगह से ग्रो करुचंदी से ही जगह बाहर की जदि से आउ गोटे एरिया को जाऊँचे देन से जगह आम इनवेसिव स्पेसीस बोली कही था एंड इनवेसिव स्पेसीस मानक जो खास करके नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हुए जदि कि कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म्स रहिले जो माने कि इनवेसिव बिहेवियर जो मैंने शो करते तो से जगह से छोटो छोटो
आखपाख ऑर्गेनिजम्स मानको किल कर दिखते तो ये जगह प्रॉब्लम आसे देन आसीज ओवर एक्सप्लोइटेशन मत लगुन कि ओवर एक्सप्लोइटेशन को बेसी एक्सप्लेन करवा दरकार ये जगह आपने बुझीपे ये गोटे जस्ट खाली गोटे जिन सजेस्ट करी आपकी प्रॉपर आपको किसी एग्जांपल मिलूँ बिकज टे टाइम प्रॉब्लम है तो मत मुझे प्रॉपरली आपको बनई पार्लि आपठी कि एग्जांपल्स को आड करदे इनवेसिव स्पेसीस किसी एग्जांपल आपको बेटर सोर्सेस रू मिल जाइपर कि बुक्स फॉलो करूँ जो थे कि आपको मिल जाव इनवेसिव स्पेसीस कि बेटर एग्जांपल जदि हो आड करदेपरेंगे देन नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज एथरे भी आमको किसी एक्सप्लेन करा दरकार नहीं पॉल्यूशन तो ओब्वियसली आपरे भल भाव में जानते तो पॉल्यूशन रे मेजर करके जो ओजोन डिप्लीशन जो सब पॉल्यूटेंट्स मैंने रेस्पॉन्सिबल था कि आपईपरेंगे वाटर पॉल्यूशन रो सब स्वेज रहा भी कंटेंट रोचे नाइट्रोजेनस कंटेंट रोचे कि बेसिक एग्जांपल आप आड करदे पार्टी बेटर रहा है बिकज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तारी उपर ही आसूँ देन नेक्स्ट आम देखा कंजर्वेशन कंजर्वेशन प्रोसेस रे आमको मेजर करके कंजर्वेशन प्रोसेस रे आपण एठी ऑब्जेक्टिव देखिबे ताले ऑब्जेक्टिव एटा तीनटा ऑब्जेक्टिव आम एठी फाइंड आउट कर दे परिबे प्रथम कथा तो गोटे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम आमको मिलूची बिकज आम जब ह्यूमन बीइंग को एज अ सिंगल एंटिटी तो ये बंचिक रही पारे निहत भाग अलग ऑर्गेनिज्म मानक डिपेंड करने को पड़ो एंड से जगह जब आम आम सराउंडिंग को जब मानते सेफ करके न रखा देन ओब्वियसली आम से जगह आम निजर ही डिग्रेडेशन हम तो इट प्रोवाइड्स अ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम सो से आमको निहाती भाव में कंजर्व करवा दरकार देन सेकेंड आसी जाऊँच कि ऑर्गेनिज्म मानक डिफरेन्सेस मेंटेन रहा दरकार जिते बेसी वेरिएबिलिटी हम जिते बेसी डाइवर्सिटी हम से भल एनवायरनमेंट आमको मिल देन सेकेंड आसीगला आपंकर सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसीस एंड इकोसिस्टम ओके सो दीज आर द थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द कंजर्वेशन प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम और द कंजर्वेशन प्रोसेस ऑफ बायोडायवर्सिटी तो कंजर्वेशन को आप दि भाग में डिवाइड करदे पारे एक तो आसी आपर इनसीटू कंजर्वेशन सेकेंड आसी एक्सीटू सीटू माने हैला हैबिटेट इनसीटू माने नेचुरल हैबिटेट भितर एक्सीटू माने जिते आप नेचुरल एनवायरनमेंट रू बाहर करके गोटे अलग जगह को नहीं जाऊँ ऑर्गेनिज्म को एंड से जगह किसी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करो जगह तार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रोचे से जगह आम एक्सीटू भी कह तो इनसीटू में आप नेशनल पार्क नहीं जाइपरेंगे बायोस्फीयर रिजर्व नहीं जाइपरेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नहीं पारे नेशनल पार्क रे साधारणतः वर्तमान जाए जब आप देखुंत देन 2020 डिसेंबर 2020 रो जदि रिसोर्सेस हिसाब से आप देखिए नेशनल वाइल्ड लाइफ डाटाबेस अनुसार ये मेंशन करी सो 104 दैट मीन 104 नेशनल पार्क अच्छी इंडिया रे एंड ता भितर जदि आप देखिए सब प्रथम जो एस्टाब्लीश करा जाइतला सेटा 1936 रे एस्टाब्लीश हेतला दैट इज योर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जोटा कि उत्तराखंड रही प्रथमे तार ना थिला हेली नेशनल पार्क जोटा कि परे ताको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भाव में नामित करागला तो एटा आपनकर कंट्रोल रहुचि बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकंड पार्ट जदि आपण देखुचें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जदि आपण देखिबे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रो वर्तमान माने डिसेंबर 2020 रो डाटाबेस अनुसार टोटल 566 रहिचि आपनकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एटा रो कंट्रोल हुए बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सबुठू बड़ जदि आपण देखुचें देन रणथंबोर नेशनल पार्क जोटा अछि राजस्थान रे जोटा कि टाइगर रिजर्व पे बहुत पॉपुलर तो एटा रहला आपनकर बिगेस्ट सेंचुरी देन नेक्स्ट आसी जाऊँच आपर बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व रे ये आपको मन रखार अच्छे कि तीन टा जोन थाए बायोस्फीयर रिजर्व को तीन टा जोन में डिवाइड करा जाएगी गोटे आसीगला कोर जोन बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन तो कोर जोन को कम्प्लीटली अनडिस्टर्बड एरिया कह जाए से आपर ह्यूमन इंटराक्शन कम्प्लीटली नील थाए कौन प्रकार ह्यूमन्स को अलाउ करा जाए ना देन बफर जोन इज प्रिटी मच इजियर टू एंटर जो थे कि रिसर्च आक्टिविटीज कि एजुकेशनल आक्टिविटीज ट्रेनिंग पर्पोजेस यूज कराए हंटिंग रहा फिशिंग रहा यह सब जिस यूज कराए देन थर्ड आसीगल आप ट्रांजिशन जोन ट्रांजिशन इज कम्प्लीटली ओपन फॉर एवरीवन सो आपर ये प्रॉपर लोकल पीपल्स मानक भी मानने इंटरफेरेन्स आपको मिल एंड गोटे प्रॉपर कोऑपरेशन भी जगह मेंटेन होकर रुहे तो बायोस्फीयर रिजर्व रे आपण किछरा बेटर एग्जांपल जदि आपनको मिल जाई परुची तो सेटा आपण ऐड कर दे परिबे एठी नेशनल पार्क एवं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रो बेस खाली गोटे छोटो सजेशन एठी आपनको देबी जदि गोटे आपण लिस्ट आउट कर दे परुचोति देन की कौन कौन सब स्टेट्स रही है तार सब पॉपुलर नेशनल पार्क कौन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सब बड़ एरिया कौटा अच्छी मानने बड़ नेशनल पार्क कौटा अच्छी और बड़ सेंचुरी कौटा अच्छी ये सब जिनस को मेजरली मार्क करेंगे बिकज या उपर क्वेश्चन आसवर चान्सेस रही देन नेक्स्ट आसी जाऊँच एक्सीटू कंजर्वेशन एक्सीटू कंजर्वेशन भितर प्रथम कथा तो एक्सीटू मैंने कौन जो आप गोटे नेचुराल एनवायरनमेंट रू बाहर करके ऑर्गेनिज्म गोटे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाऊँ सब बेस्ट एग्जांपल नंदनकानन रही है बहुत ही इजी बुझापी नंदनकानन जहाँ भी आप कंटेंट देखुं से सब आर्टिफिशियली बना जाए नेचुराली सेमती किसी अवेलेबल ना तो
सॉरी ताकू आम एक्सीटू कंजर्वेशन बोली कही दे परबा जमती कि बॉटनिकल गार्डन रहिला किंबा जूलॉजिकल गार्डन रहिला किंबा आपण नै जाई परबे एक्वेरियम रो स्ट्रक्चर्स रहिला सो ऑल दिस आर कंप्लीटली लाइक आर्टिफिशियल कंडीशन. नेक्स्ट आसी जाउ छी आपणकर सीड बैंक. सीड बैंक माने कोन बैंक माने जमती कि आमे पैसा स्टोर करके रखु छै. सीड बैंक माने कोन आपण जो प्लांट्स माने अछनी प्लांट्स मानकर सीड को कलेक्ट करबे एंड ताकू स्टोर करके रखिबे. पर्पस एठी आपण पचार दे परबे कि पर्पस कोन सपोज धर किंतु एमिती किछि मेडिसिनल प्लांट्स माने अछनी जो माने कि दिन को दिन सेमानकर डिग्रेडेशन हे चलछि बिकॉज़ ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. तो आमे ताकू तो प्रोटेक्ट कर दे परबानी आमे ह्यूमन्स मानको तो अटके दे परबानी जोटा कि आमे ऑलरेडी जानि सारले बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि एटा बायोलॉजी माने इकोसिस्टम केते जरूरी बट स्टिल ह्यूमन इज डूइंग ऑल द न्यूसेंस एक्टिविटीज. तो सेथरे तो हमर कोनोसी कंट्रोल ही नाही बट आमे एटा कर दे परबा जो सब प्रीसियस प्लांट्स माने अछनी सेमानकर जदि किछटा सीड्स को आमे स्टोर करके रखुचे तो जदि एमिती कोनोसी सिचुएशन आसीला कि जो जगह से मेडिसिनल प्लांट्स माने कंप्लीटली नील हे जेबे कंप्लीटली एक्सटिंक्ट कंडीशन को आसी जेबे तो से जगह ए जो स्टोरेज वाला सीड्स मान को यूज करके आमे से प्लांट्स को पुन थरे ग्रो करे दे परबा. सेकेंड आसी जाउछि आपनकर जीन. जीन रो कंडीशन भी सही सेम रहिबो. सपोज धर दियंतु गोटे पर्टिकुलर जीन रहिला जो जीन टा कि धीरे धीरे करके ऑर्गेनिज्म मानकर डेथ हे चलिछि एंड से पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी धीरे धीरे करके इरेडिकेट हे चलिछि. आपन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स मान को नै जानतु जेमति कि आमे गोटे प्लांट को पैथोजेंस मान को प्रोटेक्ट करिया पे आमे प्लांट को आमे चेंज कर दे परिबा किबा आपन बैक्टीरियाज मान को मॉडिफाई कर दे कि सही बैक्टीरियाज मान को आपन यूटिलाइज कर दे परिबे डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिंस रे. तो जदि आमे पाखरे जीन्स रहिछि तो सही पर्टिकुलर जीन को आमे इंट्रोड्यूस कर दे परिबा. जदि आपन आरडीएनए टेक्नोलॉजी भल भाव में बुझी देने को भी भल भाव में बुझी पार्थे मुझे जहाँ कहना चाहूँ. तो सपोज धरी दिखाँ आपके पाखे गोटे पर्टिकुलर जीन सिक्वेंस रही है गोटे पर्टिकुलर डीएनए सिक्वेंस रही आम पीसीआर फॉलो करके बहुत गुड़े कॉपीज बन पार्बा देन तांगे आम वेक्टर को आड करके सांगे होस्ट बॉडी भितर आम इंट्रोड्यूस करके तार नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को आम बढ़े पार एंड ए सेम प्रोसेस को आम डिफरेंट डिफरेंट एडवांस मेथड में यूटिलाइज कर दे पार. देन नेक्स्ट आसीगला क्रायो प्रिजर्वेशन. क्रायो प्रिजर्वेशन मैंने बहुत ही लो टेम्परेचर दैट मीन्स अलमोस्ट 190 पाखापाखी और 200 पाखापाखी माइनस 200 पाखापाखी टेम्परेचर जब आप स्टोर करके रखुं ये जगह ऑर्गेनिज्म जहाँ भी आप पोलेन ग्रेन को स्टोर करके रखिदे पारे मानने जो आपर जर्मिनल सेल्स मैंने रोचान से आज स्टोर करके रखिदे पारे गैमेट्स मानक स्टोर करके रखिदे पारे सीड्स मानक स्टोर करके रखिदे पारे. तो क्रायो प्रिजर्वेशन रेन पर्पज है कौन ऑर्गेनिज्म डेथ हेनी बट मेटाबॉलिकली से कम्प्लीटली एक्टिव हो बिकज जमीक सब सेल मानक सब ऑर्गेनिज्म्स मानक गोटे ऑप्टिमम टेम्परेचर अच्छी. तो से टेम्परेचर जब आप बहुत ही लो टेम्परेचर कर दूसरी जमीक थंडा वाला जब कंडीशन आसी जाए तो हुए कौन सेल मरबनी कि ऑर्गेनिज्म रो डेथ हेनी कि जहाँ भी आप कंटेन्ट नौकरी तरह डेथ तो हेनी बट कौटि ना कौटी से मेटाबॉलिकली एक्टिव एथपाइज बिकज एत लो टेम्परेचर से कम करें से फंक्शनल फॉर्म में रही. तो क्राय प्रिजर्वेशन में आम सेमती टाइप रिचा जिनस यूज कर दे पार एंड खास करके लिक्विड नाइट्रोजन की यूज कराए जो आप क्राय प्रिजर्वेशन क्या कौन. सो दिज आर द काइंड ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन मेथड एंड इनसीटू कंजर्वेशन मेथड. बस खाली गोटे एक्स्ट्रा सजेसन मुझे ये देवी कि आप गोटे लिस्ट बनई पारे कि नेशनल पार्क कौन कौन स्टेट्स को लेकिन आम इंपोर्टां नेशनल पार्क कौन रही वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज कौन रही आप मन रखिदे पारे एंड क्रायो प्रिजर्वेशन में किसी केमिकल्स मानक यूटिलाइजेशन हुए जोटा कि आप मन रखिदे पारे मैंने किसी जब लिस्ट आउट करते हैं इजी हे इवन आक्वेरियम आक्वेरियम भी कौटी लार्जेस्ट आक्वेरियम कौटी अच्छी एंड सर्वा प्रथम कौटी एस्टाब्लीश होता है यू जिन किसी आपड़े एक्सट्रा आड करदे पारे देन से जिनसा भल रो. सो दिस इज ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन. मुझे होप करुँ कि यही सब इनफर्मेशन आपको किसी हेल्पफुल एंड यस ऑब्वियसली पूरा तो पूरा डिटेल तो मुझे ये मेंशन करना किसी जिनस निज हिसाब से भी आड करुँ देन से बेटर रहा. ओके सो जदि किसी डाउट्स रही जदि किसी एक्सट्रा इनफर्मेशन आपड़ सेयार करने को चाहते देन कमेंट सेक्शन में आज क्वेश्चन पचारदे पारे कि सेयार करदे पारे बिकज जमीक आम समस्त जानते कि एक्जामिनेशन डेट्स मे बी बहुत जल्दी आसी जापर बिकज सेम करोनार सिचुएशन कमी गला तो आम मे बी एक्सपेक्ट करदे पार कि पसिबल अच्छी पसिबल है माने सिचुएशन गोटे आसीगला कि आम ये कहीदे पार कि एब तो किसी प्रॉब्लम नहीं तो मे बी से एक्जाम कंडक्ट करदे पारे. तो बेटर कि आम जिते आम इच अदर सागर इनफर्मेशन को एक्सचेंज करवा परस्पर को हेल्प करवा सो दैट वुड बी बेटर. सो थैंक यू एवरीवन हैव ए गुड डे बाय बाय.